पहली बात तो ये स्टोरी नहीं है जी। ये एक रियल पिक्चर है जी। इसको आप स्टोरी शब्दों से इस्तेमाल मत करो, इसको बोलो रियल पिक्चर की स्टोरी नंबर एक जी। मैं पिक्चर नहीं देख रहा था, वहाँ पे जो शालिनी थी ना उसको मैं अपनी बेटी मार रहा था। अगर मेरी बेटी के ऊपर ऐसा होगा तो इस देश में कैसा होगा, वो मासूम बच्ची इन दरिंदों से कैसे सामना करेगी। ये हमारे देश के सेकुलर कुत्तों ने इन लोगों को इतना आगे बढ़ा दिया है कि हमारी बहन बेटियों पे आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से देश के सभी माँ बाप को, सभी लोगों को ये बोलता हूँ, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, सबको ये पिक्चर दिखाओ। और हमारे देश में जो झूठ बोला जा रहा है, सबका खून लाल होता है, अरे नहीं होता है सबका खून लाल। बात खून लाल की नहीं है, दिमाग की है। और अपन अभी एक रोज फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाना, अपनी बेटियों को संस्कार दो, संस्कार दो। अरे कहां से संस्कार दोगे बेटी को, वहां पे पूरा एक ग्रुप काम कर रहा है, पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। सीरिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोग काम कर रहे हैं। कैसे छोटी छोटी मासूम बेटियां इन लोगों का सामना करेगी। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो अपने घर में ये आग आएगी और ये देश के सेकुलर लोग हमें बर्बाद करके रखेंगे। और वो दो कुत्ते जो मर गए साले नर्क में जाके, समझ रहे हो ना मैं किनकी बात कर रहा हूँ, वो कुत्ते नर्क में जाके हंस रहे होंगे कि हमने जिस देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ के आए थे, आज उस देश को हमारा बर्बाद होते दिख रहा है। इस केरल स्टोरी को अपनी स्टोरी मत मानो, उस बच्ची को अपनी छोटी बेटी मानो, उसको अपनी बहन मानो, फिर वो पिक्चर देखो। अगर उसके बाद भी तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आए तो तुमसे ना मर्द और हिजड़ा कोई नहीं है। धन्यवाद देता हूँ मैं डायरेक्टर को जिसने ये पिक्चर बनाई और हम सबकी आंखें खोली है। समझ लो अभी भी मौका है। और मैं बहन बेटियों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप की सुनो, गलत रास्ते पे मत जाओ, कोई संस्कार कोई संस्कृति काम नहीं आएगी। जैसे एक आदमी के कहने पे रोज तुम पानी चढ़ाने जा रहे हो ना मंदिर, मेरे कहने पे ये पिक्चर आके देखो, तभी तुम्हारी माँ बहन बेटियां बचेगी। बस अब इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है। आप बताइए अंकल।